किस्म की साजिशें रचाई जा रही हैं। ऑल जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपने मुद्दों को लेकर आज जम्मू में पत्रकार वार्ता की और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 2 सीटें आरक्षित करने पर अपनी नाराजगी जताई है। ऑल जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर एडवोकेट अनवर चौधरी ने कहा कि जम्मू नगर निगम की 75 वार्ड्स हैं, जिनमें मात्र 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर सरकार ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के साथ अन्याय किया है। अनवर चौधरी ने कहा कि सरकार हमारे हकों को नज़रअंदाज कर रही है, जिसे ऑल जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। और अपने तमाम तर साथियों के साथ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मसला एक नहीं है, बहुत से मसाइल हैं जिनसे हम दो चार हैं। जैसा कि पहले एक मसला उठाया गया था कि कुछ लोगों को शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाएगा जो इसके मुस्तहिक नहीं थे, जो इसके हकदार नहीं थे, तो अभी वो मसला जो है अभी भी जैसे डेमोकल स्वॉर्ड सर पे लटकती रहती है, वही सिस्टम है। दूसरा ये है कि कहा गया कि फॉरेस्ट एक्ट राइट्स इनको दिए गए हैं, एक भी आदमी को अभी तक ये हक नहीं मिला है। हमने RTI के तहत इसकी इंफॉर्मेशन ली है। दूसरी बात यह है कि हमारे लोगों को जो नोमेड लोग हैं उन्हें हर जगह तंगो तलब किया जा रहा है, जहाँ जहाँ वो बसे हुए हैं उन्हें वहाँ से उखाड़ा जा रहा है, और अगर शरारती अनासर भी उनके साथ किसी किस्म की शरारत करते हैं उन्हें वहाँ से खदेड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम एजेंसीज के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, तो वो भी उसका कॉग्निजेंस नहीं लेते, वो भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो इन तमाम बातों को लेकर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दूसरी बात, ये मेरे साथी कॉर्पोरेटर साहब यहाँ बैठे हुए हैं वार्ड नंबर 74 के, आपको मालूम है कि अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन का ऐलान किया गया है और हुकूमत ये कहती है कि रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन ST को यहाँ दे दी गई है। अगर ST को यहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दी गई है, अगर जम्मू के अंदर 74 या 75 वार्ड्स हैं, तो उसमें कम से कम 7 या 8 तो रिज़र्व होनी चाहिए थी, सिर्फ 2 ही की गई हैं, और 2 भी वहाँ पे जहाँ पे कोई इफ़ेक्टिव आदमी, जो बात करने वाला आदमी हो, जो मसाइल को लोगों के सामने रख सके, वो वार्ड्स जो हैं वो रिज़र्व नहीं की गई। इसलिए मेरा कहना है कि कम से कम 7 वार्ड्स को रिज़र्व किया जाए, और जहाँ पे कंसंट्रेशन है शेड्यूल ट्राइब की, खासकर जैसा कि वार्ड नंबर 6 में है, वार्ड नंबर 74 में है, और बहुत सी ऐसी वार्ड्स हैं, तो उनको रिज़र्व करना चाहिए था इन्हें शेड्यूल ट्राइब के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक किस्म का दिखावा है ये सारा, इसलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हमारे हकूक़ की पायमाली हो रही है, हमारे हकूक हमें नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। ये ना सरकार समझे कि हम इन बातों को समझते नहीं, जिस किस्म की साजिशें रचाई जा रही हैं, हम चाहते हैं कि सरकार को ये पता चले कि हम इन साजिशों को समझते हैं और हम इन